देखो यार, अगर आप लोग बोलोगे ना, और बाइक आज इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हैं भाई साहब, मेरे हो रही है मौज रोज। तो हाँ जी भाई, सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आपका भाई भी एक नंबर है, एकदम बिंदास मस्त दिख रहा होगा आपको। तो यार अभी बस कार्डियो स्टार्ट करते हैं तुरंत प्रभाव से, और डाटे मूज कटा लेंगे आज यार, देखते हैं। तो फिलहाल अभी कार्डियो स्टार्ट करके मिलता हूँ फिर। देखते हुए अच्छा खासा बादल है, तो सूरज भगवान भी ढके हुए हैं, तो मेरे हिसाब से धूप धाप तो कम ही है। काड़ो जी मज़े में। तो आज सोच रहा हूँ कि बाइक को ले ही जाऊँ और इसका वो जो अपना कार प्ले जो आया है वो लगवा ही लेते हैं आज। क्या बोलते हो बताओ? जल्दी से बताओ, ले चलेंगे अपनी बाइक को और इसी बहाने वीडियो बना लेंगे अपन। तो हाँ जी, सभी भाइयों को राम राम फिर से। तो देखो, जब भी अपन बाइक पर बैठते हैं तो राम राम जरूरी है बोलना, क्योंकि भगवान का नाम तो कभी भी ले लो, हंसते खेलते मस्त आराम से बढ़िया घूमते फिरते। क्योंकि अगर राम का नाम लेते रहोगे तो बढ़िया है, ऊपर वाला भी देखता रहेगा आपको कि हाँ भाई नाम तो ले रहा है ना, चाहे सुख हो दुखी हो। तो बाइक आज इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो अपना कार प्ले वाला आया था ना, वो मैंने कल यहाँ कोशिश की थी लगाने की, पर इसमें वायरिंग वगैरह 10 चीज़ें हैं, तो मैं देखा यार कौन छेड़ेगा, कौन क्या माथापुड़ी करेगा, सीधा चलते हैं अपने नरेश भी आ गए और वहाँ लगवा लेंगे। और मेरे वहाँ टायर भी आए हुए हैं, तो सोच रहा हूँ वो भी लगवा ही लूँ सोच रहा हूँ यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा यार। देखूँ 1000-2000 किलोमीटर ये चल जाए और तो सही है, पर 1000-2000 किलोमीटर तो चल जाएंगे, पर जो वो एक अंदर से एक आता ना कि हाँ भाई अपनी बाइक को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, कैसे भी घुमा सकता हूँ, वो वाली चीज़ नहीं। क्योंकि टायर ख़त्म पड़े हैं, 1000-2000 किलोमीटर और चलेंगे, पर जो ग्रिप वगैरह वो बन रही है ना वो नहीं बन पा रही, तो टायर भी लगे हाथ चेंज करवा लेते हैं। और पीछे वाला ब्रेक पैड भी चेंज होगा, तो भी पीछे वाला ब्रेक पैड शायद उनके पास पड़ा होगा कंपनी में, तो शायद 10-12 हज़ार रुपये का है पीछे वाला ब्रेक पैड, और इनके पास वैसे 5.5 या 6 हज़ार का होगा, तो 3-4 हज़ार का तो फ़र्क है ही यार। तो ये छोटी 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 चीज़ें क्या है कि अगर इनमें अपन पैसे बचाते रहेंगे ना तो बढ़िया बात है, क्योंकि इनसे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बस दोनों चीज़ शायद उनके पास मिल जाएगी, नरेश भैया के पास टायर मेरे पहले के आ गए थे, 10-15 दिन हो गए, ब्रेक पैड भी उनके पास मिल जाने चाहिए और ये वो लगा ही देंगे, तो अपना काम हो जाएगा, बाइक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर 10,000 किलोमीटर तक देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आराम से चलाओ दौड़ाओ भगाओ कैसे भी चलाओ, बस सब कुछ अच्छा हो जाओ और बढ़िया हो। तो बस राइड का प्लान बन रहा है, देखो बहुत जल्दी बन रहा है, जल्दी से जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इसी महीने बन जाए तो इस महीने भी बन सकता है, जा सकते हैं कहीं एक मतलब 3-4 दिन के लिए। और महाकाल मेरे को लगता है नहीं बुलाने वाले मेरे को अपने शंकर भगवान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जाने की, बहुत तगड़ी वाली कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों महाकाल जी नहीं बुला रहे यार शंकर भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं राजी करता हूँ लोगों को चलने के लिए, वो मना कर देते हैं, फिर मैं करता हूँ कि भाई मैं अकेला जाया हूँ, तो अकेला पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा। भगवान की इच्छा होगी तो कल परसों में बुला लेगा, मैं ऊपर नहीं, महाकाल अपने उज्जैन यार मंदिर, क्या यार आप लोग भी। तो बस अभी अपन बाइक लेके चलते हैं, उनको दिखाते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, अभी टाइम हो रहा है 12:30, ज़्यादा ज़्यादा 1 बज जाएंगे, और 1 से अपन 2:30 बजे तक वहीं आराम से अपनी बाइक का काम करवाएंगे, टायर वगैरह चेंज जो भी होता है वो हो जाएगा, और उसके बाद अपन निकल जाएंगे अपने जिम। तो मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। देखो यार, अगर आप लोग बोलोगे ना और कमेंट करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ भाई भैया आप रोज़ बाइक से आओ, रोज़ बाइक दिखाओ, तो देखो मैं आपके लिए डेली बाइक पे आ सकता हूँ और गर्मी में मर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग बोलोगे तो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आऊँगा, और नहीं करोगे तो फिर अपने कार है ही, क्या दिक्कत है। पर मेरे को पता है कमेंट तो कोई नहीं करेगा, अपने वाले ही करेंगे, और कोई ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भाई को भी सब जानेंगे और लोग बाग पूछेंगे कि भाई कोई लक्ष्मण यादव भी है क्या। अभी अपन को जयपुर में सब जानते, एक दिन बहुत लंबा होगा कि भाई सब जानेंगे और सब बढ़िया रिस्पेक्ट करेंगे, ये आपके भाई का वादा है।
अपन छवि अच्छी बनाएंगे, गंदी वाली छवि नहीं बनाएंगे। तो अभी ये अपना ओम स्वीट, मतलब भाई साहब इसकी कचौरी कचौरी है। कभी अगर जयपुर आओ ना तो इसकी कचौरी खा के देखना, और फिर आना अपने नरेश भैया के, अगर आप बाइकर हो तो अपने 200 फीट के पास ही है इनका काम, और बहुत शानदार काम करके देते हैं भैया, बहुत गजब काम करते हैं ये। मारा पग छोटा है ना, ये रहे अपने ब्रेक पैड। और ये कंपनी में भैया कितना का हुआ है? 11,000 का मान लियो दे यार। और आपने 6,000-7,000 का? तो कम से कम 4,000-5,000 रुपए का फर्क है। और ये रहे अपने टायर बिल्कुल नए। अब टायर की मैं प्राइस नहीं बताऊंगा आपको, बहुत खतरनाक पैसों में मंगाया, और बिल्कुल नए है, बिल्कुल नए ही है, बिल्कुल नए क्या है, बहुत तगड़ा वाला डिस्काउंट दिया है। अभी ये टायर भी चेंज हो जाएंगे, ब्रेक पैड भी चेंज हो जाएंगे, और वो भी लग जाएगा, और सब कुछ हो जाएगा तुरंत। 1,000 किलोमीटर चलेगी मैं। चला लो, भूल चलेगी नहीं। हैं? पैर से पकड़ के लगा दे एक बोल। ये क्यों कौन रहे हो यार? लो जी मैं आ गया हूँ जिम, और वहाँ बाइक का जो काम हो रहा था वो होता रहेगा। अपन ने पीछे वाला टायर चेंज करवा दिया और ब्रेक पैड पीछे वाले चेंज करा दिए। आगे वाले जो थे वो अभी है, 4,000-5,000 किलोमीटर चल जाएंगे, और पीछे वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जैसा कि आपने देखा। और अभी अपना टाइम हो गया था वर्कआउट का, तो भैया देखो बाइक तो सब चलती रहेगी, सब होता रहेगा, वो वैसे भी कर देंगे नरेश भैया, उनका काम परफेक्ट है, एक नंबर है। वो BMW में थे पहले, उससे पहले ट्राइम में थे, मतलब जितने भी जयपुर में बड़ी ब्रांड है ना अपने बाइकों के, सब जगह काम किया है उन्होंने। फिर लास्ट में उन्होंने खुद का ही कर लिया कि बोले मैं खुद का ही करूँगा, किसी के अंडर में काम नहीं करना, तो ये तो और भी अच्छी बात है। कहीं को करना किसी के अंडर में काम, तो अपन बाइक उनको दे आए और वो कर देंगे टायर वायर चेंज सब कुछ, और वॉश करवा के खड़ी कर देंगे, तो अपन जाके अभी ले लेंगे। तो जब तक अपन अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना वार्म अप। चलो तो अपना पहला वर्कआउट साइड रेज और टायर से चालू किया था, अभी 5 है सेकंड साइड पे। तो अपनी सेकंड एक्सरसाइज फेस पुल, और अभी पहला सेट कर रहे हैं इसका, बड़ी अटपटी एक्सरसाइज है यार। तो उसको पकड़ो कैसे, नीचे कैसे, और कैसे करें अच्छा भी आप, तो आपको पकड़ना पड़ेगा इसको। चलो देख जाओ, यूं था यूं। चलो इटके करे और अब बैठे बैठे करेंगे एक्सरसाइज, बैठ के हर तरीके से बनेगी बॉडी। हाँ बॉडी बनेगी, बॉडी नहीं तो। अभी अपन करें, क्या नाम बताया था, शोल्डर प्रेस है ना, याद है मेरे को थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये चालू करते हैं। तो ब्रो अपनी तीसरी एक्सरसाइज है ना, तीसरी ना, फोर्थ नहीं यार, एक दो तीन चौथी है इसका, क्या नाम, रिवर्स फ्लाई। रिवर्स फ्लाई हाँ। तो अपना पांचवा वर्कआउट स्टार्ट है, और इसका नाम है रियल बेल्ट, है ना भैया? हाँ चलो बढ़िया करो आप यार, अब तो कैमरे में लोगों को बॉडी दिखने लगी यार। तो अपना आखिरी वर्कआउट, और इसके बाद खत्म अपना शोल्डर। कल क्या कह रहे हैं? कल अपन नहीं, आर्म्स करोगे आप? छुट्टी कितनी लोगे एक हफ्ते में? और ही आ गए ना भैया। हाँ सही है, एफ दिखाऊंगा बोले तो मैं ये। लो भाई अपना वर्कआउट कंप्लीट, और अपनी बाइक भी कंप्लीट हो गई होगी फिलहाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, क्योंकि 200-300 मीटर में ही थी यार अपनी बाइक, तो फिर वहाँ से बाइक छोड़ के मैं पैदल ही आ गया था अपने जिम। और जिम से अभी बढ़िया आराम से शोल्डर वाला वर्कआउट हुआ अच्छा खासा, तो इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी आधा किलोमीटर की, 200-300 जो भी है यार, मान लिया करो जो मैं बोलूँ, जो मैं बोलूँ वही सच है, बाकी सब झूठ है, समझे ना आप। तो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, और कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है अभी, तो देखते हैं कार से जाता हूँ या बाइक से। वो हो रही अपनी राम प्यारी, टायर तो लग रहे हैं नए, बाकी
ऊपर वाली स्क्रीन भी दिख रही है बड़ी से बड़ी यार। अपनी बाइक भी रेडी, स्क्रीन भी रेडी। ये लो ये मैप चल गया और इसमें पूरा देख लो कि कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है। बढ़िया टायर डल गए और बढ़िया पीछे वाला ब्रेक पे डल गया। धन्यवाद अपने नरेश भैया जी को जो इतनी जल्दी काम कर दिया अपना और बिल्कुल ओके कर दी बाइक। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने माल्टा कैफे, वहाँ बैठे अपने दोनों लोंडे। आज उनसे मिलना ही नहीं हुआ, आज क्या कल भी मिलना नहीं हुआ, दो दिन हो गए भैया मिले हुए उनसे, तो आज मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन्हें लोंडों से नहीं मिलेंगे तो कैसे पार पड़ेगी, उनके बिना क्या है अपने जीवन में। स्क्रीन बढ़िया लग रही है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका पूरा वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट कर देना मेरे को, अपन इसका पूरा वीडियो बना देंगे। और वैसे भी मैं पूरा वीडियो तो बनाएंगे कल परसों में इसका, और टायर ब्रेक पैड वगैरह ये कितने के क्या डले अपने वो भी मैं बताता हूँ। इसमें फ़िलहाल इसमें हवा नहीं है, 15 ही आ रही है इसमें हवा, तो पहले हवा डलवाते हैं इसमें और फिर मिलते हैं आपको। बाकी वर्कआउट करने में भाई साहब मज़ा आ गया आज शोल्डर में, मतलब देखो मेरी बात सुनो, अगर अच्छा खाओगे, अच्छी डाइट लोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे ना और अच्छा अपना जीवन जियोगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मज़ा आएगा आपको हर चीज़ में, मतलब शानदार वाला। तो मेरी अभी अच्छी डाइट जा रही है ना तो मेरे को वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा है और अपनी बॉडी में भी फ़र्क दिख रहा है कि भाई हाँ भाई किया है कुछ। तो अभी शानदार वाला वर्कआउट हो गया और अभी कहीं प्रोग्राम में जाना है मेरे को और मैं देख रहा हूँ क्या करूँ, बाइक लेके जाऊँ या कार से जाऊँ, दोनों में से एक से जाऊँगा। फिलहाल पहले इसमें हवा डलवाते हैं। हवा भाई साहब, गर्मी में बाइक चलाने का मतलब है मौत से सामना करना, नहीं मतलब नहा धो के बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के और बाइक पे बैठो, बिल्कुल खत्म शरीर और अभी कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी अपन आगे माल्टा और यहाँ कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई अपनी बाइक को करते हैं टाटा और चलते हैं अपनी पोलो में। तो मैं अभी आया हूँ दावत पे और क्या क्या है खाने को, सब पूरा वेज आइटम, पर मैं एक भी नहीं खा सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं यार। अब मेरे लिए आ रहे हैं अंडे तो मैं खाऊंगा अंडे, इसमें सब कोई में बेसन है, कोई में पकौड़े है, चकोड़े है, ये अपने चने रहे, खजूर रहे, सब कुछ रहा। कितना प्यारा दस्तखान लग रहा ना, मस्त। तो भाई ये रही अपनी बाइक और राहुल जी कहाँ से लेके आए गाड़ी को, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी दी थी, बिल्कुल टायर नए वाए डलवा के दिए थे भाई साहब। और कहाँ गए थे ये मेरे को समझो नहीं है, मिट्टी विट्टी कहीं ऑफ रोड करके आया दिखे मेरे को लग रहा है। तो सुबह बताएंगे आपको कि टायर और अपने ब्रेक पैड और अपने स्क्रीन कैसी क्या लग रही है और कितने की क्या लग रही है।